शेखपुरा जिले के अरियरी थाना क्षेत्र के एक गांव में गजब प्रेम कहानी देखने को मिली है, जहां पहले एक विवाहिता अपने फुफेरे देवर से प्यार कर बैठी और इसी चक्कर में उसने पति से तलाक ले लिया और अब प्रेमी देवर के परिजनों ने महिला को अपने घर में रखने से इनकार कर दिया। जब महिला अपने प्रेमी के घर गई तो परिजनों ने मारपीट कर उसे घर से भगा दिया, जिसको लेकर महिला अब न्याय को लेकर दर दर भटक रही है। इंसाफ के लिए महिला हेल्पलाइन पहुंची। पीड़ित महिला ने बताया कि उसकी शादी 4 साल पूर्व अरियरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पथलौटिया गांव में हुई थी। शादी के बाद उसका दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच फुआ के गोतनी का बेटा कोरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत महमदपुर गांव निवासी रघुवीर कुमार उसके मोबाइल पर फोन करने लगा। फोन करके कहता था कि वह उसको पत्नी बनाकर रखना चाहता है। उस वक्त हम उसको डांट कर मना कर दिए। फिर वह नंबर बदल बदल कर उसको फोन करने लगा। फिर कुछ दिन बाद ही देवर रघुवीर कुमार का उसका प्रेम संबंध हो गया। जब इसकी जानकारी उसके पति को हुई तो वह उसके साथ मारपीट करने लगा। रघुवीर बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे, इसीलिए मैंने अपने पति से तलाक ले लिया। रघुवीर उससे प्यार करता और वह उसको अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन तलाक के बाद पति ने जान से मारने की नीयत से अपने कुछ सहयोगियों की मदद से उस पर जानलेवा हमला भी करवा दिया। उसके बावजूद भी हम अपने देवर रघुवीर के साथ रहने के लिए गए तो रघुवीर की माँ, मौसेरे भाई, बड़ी माँ और उसके भाई ने उसकी मारपीट कर उसको घर से निकाल दिया। अब इधर पीड़िता इंसाफ के लिए दर दर ठोकरें खा रही है। अब ऐसे में जाए तो जाए कहाँ। यही घटना है, मैं पति के साथ में रह रहे थे तो उसका बीच में भाई आ गया। भाई आ गया तो गलत नज़र मेरे पर रखता था और बोला कि तुमको हम शादी करेंगे, झांसा दिया शादी करने का, हम तुमको बीवी बनाएंगे, बीवी बना कर ही रहेंगे। ये लड़का ने बोलने लगा, उसका भाई फुफेरा, तो मेरा पति बोला, उसके कारण ने मेरा पति ने वीडियो गंदा वायरल किया है। वायरल करने के बाद बोला कि जो अब हमको मतलब नहीं है तुमसे, जा मेरा भाई के पास रहो, हम तुमसे मतलब नहीं है, मेरा भाई ने रखिएगा। अपना भाई है, फुफेरा भाई उसका है। फुफेरा भाई का क्या मतलब, क्या मकसद था? मकसद यही था कि उसको कि हम बीवी तुमको बनाएंगे, बनाकर ही रहेंगे। क्या तो लड़का ने सब कुछ किया है, जबरदस्ती जी, जबरदस्ती सब कुछ किया है। 2020 में हमको शादी हुआ है। कौन सा गाँव में? पटलौटिया में। पटलौटिया में जी। आपका हस्बैंड का क्या नाम है? राम परवेश शर्मा। राम परवेश, दोनों से बात जी। तो आप पति रखने से इनकार क्यों कर रहा है? उसका भाई के कारण। क्या उसका भाई का क्या कारण? कि उसका गाड़ी गलज किया, फोन पे धमकी दिया, बोला वही अब रखिएगा, हमको मतलब नहीं है। आपके पति को गाली गलौज किया था? जी, उसका भाई फुफेरा। तो गाली देने से क्या आपका पति छोड़ दिया? हाँ, उसके कारण बोला हम नहीं रखेंगे, उसके कारण हमको मारपीट कर भगा दिया। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि वो रघुवीर ने गलत किया, वो हमको रखे। मतलब आपके साथ, मतलब आपके पति के फुफेरे भाई के साथ रहना चाहते जी? तो क्या कह रहा है रघुवीर? रघुवीर बोल रहा है कि तुम गलत है। अच्छा, मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है, हम गलत नहीं है। मतलब रखने से इनकार कर, इनकार कर रहा है जी। कहाँ आपका मायके हुआ? मनकौल। मनकौल, क्या नाम है पिता जी? राजेश शर्मा। राजेश शर्मा, तभी आप लोग कहाँ आए हुए? मायके में। अभी DSP ऑफिस के पास मिले? हाँ जी। क्या बोले उन्होंने? बोले जब SP सर ने किया तो हम क्या करें? मतलब केस भी कोई नहीं ले रहा? नहीं ले रहा है। तो आप लड़का के साथ रहना चाहते हैं जी? क्या नाम है आपका? सोनम। कब? 2 साल से। 2 साल से आपके साथ शारीरिक संबंध बना जी, अब रखने से इनकार कर रहा है जी। आप रहना चाह रहे हैं? हम रहना चाह रहे हैं कि मेरा जिंदगी तुमने बर्बाद किया है, तुम अब हमको रखो। कहाँ आपके पति रहते? कहाँ पति रहते हैं? पटना में रहता था।